नमस्कार दोस्तों, आप आज आपको बता रहे हैं बीएड 2 साल का है, वो कब से स्टार्ट होगा? देख सकते हैं कि विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें लिखा है 2 वर्षीय बीएड जो है, ये देख सकते हैं 2 वर्षीय जो बीएड है वो 300 से अधिक कॉलेजों में नामांकन के लिए अगले सप्ताह से आवेदन स्टार्ट होगा, ठीक है ना? आप कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखेंगे, कौन इसका अप्लाई कर सकता है, क्या है नया नोटिफिकेशन, आपको हम बता रहे हैं इसके जरिए, ठीक है ना? देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया है नोडल संस्था, इसके ही द्वारा आपको बीएड होगा, ठीक है दोस्तों? इसको जूम करेंगे, जूम करके आपको बता रहे हैं इसको डिटेल्स आपको हम। 2 वर्षीय बीएड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 2024 का आयोजन एक बार फिर से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा करेगा, ठीक है दोस्तों? पिछले साल जो सीट था इसमें, ठीक है ना, विश्वविद्यालय में जो मिला था वो सीट इस प्रकार था। पिछले साल 14 विश्वविद्यालय के 342 कॉलेजों के 37,350 सीट पर नामांकन हुआ था, ठीक है ना? इस बार जो है 340 से अधिक कॉलेज में 37,000 या उससे अधिक सीटों पर नामांकन होगा दोस्तों, ठीक है? तो खुशखबरी ये है कि इस बार भी आपको जो बीएड है वो मिथिला यूनिवर्सिटी करवाएगा, ठीक है ना? इसके ऑफिशियल साइट पर आपको हम जाकर बता रहे हैं इसमें क्या था पिछले ईयर, ठीक है ना? देख सकते हैं दोस्तों बिहार बीएड, ठीक है, बिहार बीएड इंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड 2023 का, ठीक है ना? इसका अभी साइट जो है वो ओपन नहीं हुआ है, ठीक है ना? इसका साइट आपको जब आएगा तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं इस साइट का। और आपको अप्लाई कब से होगा, जब अप्लाई होगा तो उसका फिर नया हम वीडियो बना देंगे, अभी फ़िलहाल अभी बंद है इसका रजिस्ट्रेशन। इसका पिछले ईयर के नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहे हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन एलिजिबल है, कौन बीएड कर सकता है, ठीक है ना? क्या है उसका नोटिफिकेशन उसके अनुसार, ठीक है? देख सकते हैं दोस्तों इसका जो पिछले ईयर का है नोटिफिकेशन उसके अनुसार, ठीक है ना? जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक, इंटर, स्नातक व एमए यदि उत्तीर्ण हो अथवा समकक्ष के अंक पत्रों को अपलोड करना होता है, इसके लिए उतना आपके पास रहना चाहिए डॉक्यूमेंट। और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है वो बता रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। मेन होता है एजुकेशन एलिजिबिलिटी, ये क्या है, ठीक है ना? इसको करने के लिए आपको 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं विज्ञान, मनोवैज्ञानिक, वाणिज्य, स्नातक 10+12, और 3 साल का जो स्नातक था, अभी तो 4 साल का हो गया स्नातक। अगर साथ में आपका पीजी भी है कम से कम 50% के साथ, ठीक है, तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बीएड वही कर सकता है जो ग्रेजुएशन कर रखा हो और जो कर रखा हो, अगर पीजी कर रखे हैं तो और अच्छा बात है, ठीक है ना? तो 2 साल के लिए, ठीक है, वो 4 साल वाला आता है वो दूसरा होता है, ये बीएड आपको 2 साल के लिए है, ठीक है ना? और इसके आगे क्या नोटिफिकेशन आपको बता रहा है, इसमें जो नोटिफिकेशन था ऑनलाइन आवेदन के संबंधित सामान्य निर्देश, ठीक है ना, अभ्यर्थी का पूरा नाम वो आपको एकदम सही लिखना होगा वहाँ पे, पिता का नाम, ठीक है, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये सब, ठीक है ना? और हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको डोमिसाइल, डोमिसाइल क्या होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है बिहार का मूल निवासी, डोमिसाइल मतलब आवासीय, आप आवासीय बनवा कर रख ले, ठीक है, क्योंकि 1 सप्ताह बाद स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए आवासीय बनवा ले। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र बनवा ले, ठीक है ना दोस्तों? आप अगर मान लीजिए ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का बनवा लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि लिखा हुआ है क्रीम लेयर के अंतर्गत आने वाले को एनसीएल लगेगा, ठीक है दोस्तों? अगर कोई आदमी दिव्यांग है तो उनके लिए भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखे। पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड चलता है, बाकी मतदाता पहचान पत्र ये सब उतना काम नहीं करता है, लेकिन मेन आपका आधार आता है। अगर आपका आधार गलत है तो भी आप सुधार के लिए आवेदन कर लीजिए, सुधर जाएगा तो आपको काम देगा, ठीक है ना? फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों? बाकी इस पर दिया हुआ है जो भी है पूरा नोटिफिकेशन, हम इसका पीडीएफ आप अगर किसी को चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें पत्र व्यवहार, पिन कोड, स्नातक का विवरण, यही सब देना होता है। इसका हम वीडियो हम जब आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है?
उस वक्त जो था वो बीएड के लिए सीट था, शहर का सूची था, इसमें यह लिखा हुआ है, ठीक है ना, हाजीपुर में कितना था, पटना में कितना था, ये सब दिया हुआ था। परीक्षा को जो प्रारूप होता है वो क्या होता है ऐसे बताते हैं। परीक्षा ये होता है ना, उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। ये आपको ये हो गया टोटल सिलेबस, कौन से पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से, जनरल हिंदी से, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, जनरल अवेयंस, यही सब पूछता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें आरक्षण भी दिया हुआ है, क्या आरक्षण है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 35%, तदनुसार 42 अंक पर, ठीक है ना। और एससी एसटी और बीसी और ईबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, ये सब के लिए नहीं हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है लिखा हुआ है, ऋणात्मक अंकन नहीं है, ठीक है ना। परीक्षा जो फ़ी है वो आपको इस प्रकार से रहता है, ठीक है, फ़ी कितना लगता है वो आपको बता रहे हैं। सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 1,000, और जो भी EWS से आते हैं, अति पिछड़ा मतलब EBC आते हैं, और दिव्यांग जो होते हैं उनको 750 रुपया लगता है, और SC ST के लिए 500 रुपया के लिए है, ठीक है ना। और इतना है आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए रुपया लगता है। और आगे क्या है बता रहे हैं हम आपको, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो भी है वो आपको इस प्रकार से है। पहले आपको ऑनलाइन के आवेदन प्रक्रिया में आपको प्रथम चरण में आपको पंजीयन करना होगा, द्वितीय में पूरा आपको प्रपत्र भरना होगा, जितना भी जो भी है आपको डोमिसाइल खासकर जेंडर ध्यानपूर्वक अच्छा से भर ले। तृतीय चरण में आपको ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के शुल्क लिया है मतलब पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बताते हैं क्या है, सो पूछ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आवेदन करने के समय आवेदक इनके पास क्या क्या रखे हैं। पंजीयन एवं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य में किस प्रकार सदाचार ईमेल अकाउंट रखे सही से, ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र इत्यादि संबंधित SMS आधारित सूचनाओं को, मोबाइल नंबर ये सब सही से रखे, एक रंगीन पासपोर्ट साइज जो स्कैन किया हुआ रहना चाहिए वो भी लेटेस्ट रहना चाहिए, और ब्लैक में आपको सिग्नेचर रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आवेदन का मूल चरण बताया हुआ है क्या है, ठीक, कैसे भराता है, इसका हम वीडियो आपको फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।